सीखने के हवाले से भी है, और इस कोर्स की एक अहमियत जो है वो अदब के हवाले से भी है कि ये कुरान पाक का जो कोर्स है सूरह हुजूरात का, इसका मेन फोकस जो है वो अदब है कि किस तरह बड़ों का अदब करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों के सामने झुकना चाहिए, इसके ऊपर इसका फोकस है। आम तौर पे हम नमाज, रोजा, जकात, हज वगैरह को तो फर्ज समझते हैं और अदब आदाब को हम ये समझते हैं नफली सी चीज है, अच्छी बात है अगर कर लिया और ना किया तो कोई बात नहीं। मगर इन मुबारक आयतों से आपको आप पता चलेगा कि ये बड़ों का अदब करना, खास तौर पे उलमा का, मशाइख का, वालदैन का, इनका अदब करना कितना अहम है। तो इस कोर्स को जो चूज किया, एक तो ये है कि ये कोर्स ऐसा था कि 10 दिन में आराम से करवाया जा सकता था, और दूसरा इस मुबारक सूरत को चूज करने की वजह ये भी थी कि इसके अंदर एक बहुत अहम तरीन टॉपिक डिस्कस हो रहा है, और वो टॉपिक दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा जुज जिसको अदब कहते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये कोर्स चूज किया गया। इस कोर्स को करने के बाद आपको दो चीजें इंशाल्लाह जो मकसद है नसीब हो जाएंगी। एक तो ये कि कुरान पाक का बहुत सारा 30% तर्जुमा आपको आ जाएगा इंशाल्लाह, और दूसरा ये है कि इस कोर्स के मुकम्मल करने के बाद अदब की अहमियत आपके दिल में जरूर इंशाल्लाह आ जाएगी, जिस अंदाज से कुरान पाक में अल्लाह ने अदब की अहमियत बयान की गई है। इस मुबारक कोर्स के अंदर क्या होगा इन अगले 10 दिनों में, ये भी आपके सामने रख दिया जाए। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अकेला बैठ के अपनी आवाज सुन रहा हूँ, तो थोड़ी सी मुझे ये फिक्र हो रही है कि आप सब मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो अगर मुझे सिर्फ तौकीर बता दें कि जी ये नजर आ रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन टू द कोर्स लिखा हुआ, और मेरी आवाज भी पहुंच रही है सब तक। जी हजरत, बिल्कुल क्लियर है। जी, जज़ाकुमुल्लाह। तो थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी भी चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम थोड़ा है और चीजें बहुत सारी कवर करनी है। मगर इस कोर्स के अंदर आप से क्या तरतीब क्या रहेगी इस कोर्स की? व्हाट आर यू सपोज टू डू एवरी डे? हर रोज ये 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन क्या करना है? तो 10 दिन आपने सबसे पहले तो क्लास अटेंड करनी है इंशाल्लाह, 4 बजे ऑन डॉट ये क्लास शुरू हो जाया करेगी। क्लास में बहुत ज्यादा आपका ये है कि आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन कितनी है, ये सबसे पहले तो आपने ये पूरा घंटा तवज्जो के साथ सुननी है क्लास। दूसरा, इस क्लास की तरतीब ये रहेगी कि अगले दिन हम क्लास शुरू करेंगे तो एक आपको असाइनमेंट हर रोज दिया जाएगा, बहुत ही आसान सा असाइनमेंट इस क्लास के आखिर में आपको बता दिया जाएगा, और वो आसान सा असाइनमेंट जब आप करके देंगे तो जिन्होंने असाइनमेंट अच्छी तरह से खूबसूरत तरह से किया होगा, तो ये हमारी तरतीब पिछले 2 सालों से चल रही है कि अच्छे जो कुछ असाइनमेंट्स होंगे वो हम थोड़े से वो असाइनमेंट्स भी दिखा देंगे। इस तरह से असाइनमेंट का रीकैप भी हो जाता है, और जो अच्छे जिन्होंने बड़ी मेहनत से असाइनमेंट किया होता है उनकी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर लिया जाता है। तो हर रोज ये एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, ये आपने करके और व्हाट्सएप कर देना है हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पे जो आपको इस क्लास के आखिर में दे दिए जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि इस क्लास की तरतीब ये रहेगी कि सबसे पहले जब आप क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले असाइनमेंट्स दिखाए जाएंगे पिछले दिन के, इसके बाद पिछले दिन की जो 2 आयतें हैं उसको रीकैप किया जाएगा। कुछ तालिबात हमारी तफसीर की क्लास में पढ़ती हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये रीकैप यूं होता है कि आपसे सवालात पूछे जाएंगे और जूम पे आप हैंड रेज करेंगे, और जो हैंड रेज करेंगे अक्सर उन्हीं से पूछे जाते हैं, कभी कभी सिर्फ आपको जगाने के लिए जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया होता है उनसे भी पूछा जाता है। तो ताकि पिछले दिन का सबक थोड़ा सा रीकैप कर लिया जाए, पिछले दिन के सबक की तकरार हो जाए। पिछले दिन के सबक की तकरार क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि बुजुर्गों का एक मकूला है अरबी में, उन्होंने फरमाया अत्तकरारु बाबुल इल्म, ये जो रिपीट करना है, तकरार करना है, ये इल्म का दरवाजा है। तो सिर्फ एक मरतबा एक चीज को पढ़ने से वो चीज जहन में नहीं आती है,
बल्कि उसको बार बार रिपीट किया जाता है तो वो वजूद का हिस्सा बनती है। तो इसलिए पिछले दिन का सेशन लेसन जो है उसको रिपीट किया जाएगा अगले दिन, और फिर अगले दिन जो है वो उस दिन की भी आयत, उस दिन की आयत भी बयान की जाएंगी, तो दो मरतबा रिपीट हो जाएगा। फिर इस पूरी क्लास के आखिर में एक बड़ा छोटा सा और बड़ा इजी सा इम्तिहान भी लिया जाएगा। इम्तिहान से लोग बहुत डरते हैं, खास तौर पे ख्वातीन बहुत डरती हैं, मगर अगर तो मकसद अल्लाह को राजी करना है तो इम्तिहान से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी इम्तिहान आसान ही होगा। ये इम्तिहान कोई नंबरों के लिए नहीं है, ये इम्तिहान इसलिए है कि आप जो है वापस से तकरार कर सकें। तो आपने दो मरतबा लेसन को तकरार कर लिया, एक दिन जिस दिन आपको पढ़ाया गया, दूसरे दिन भी उसको रिकैप किया जाता है, फिर इम्तिहान में एक मरतबा फिर आप उसको वापस उस लेसन को टच करेंगे, तो अब ये कुरान पाक का ये वाला हिस्सा जो है ये आपके वजूद का हिस्सा बनेगा। तो इसलिए इम्तिहान से परेशान ना हो, इम्तिहान को खुशी खुशी लें कि ये एक जरिया है कुरान पाक को अपने वजूद का हिस्सा बनाने के लिए। तो इसलिए छोटा सा आसान सा टेस्ट होगा, इसकी भी फिक्र नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह ये तरतीब होगी, हर रोज क्लास शुरू होने से पहले क्लास को रिकैप किया जाएगा पिछली क्लास को, और फिर नई क्लास बताई जाएगी, और फिर आपको जो वर्ड्स इस क्लास में पढ़े थे वो थोड़े से दिखाए जाएंगे, और अगले दिन का असाइनमेंट दिया जाएगा। तो ये तरतीब आज भी इंशाल्लाह होगी। इस क्लास के आखिर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस क्लास में, उन सबको सर्टिफिकेट दी जाएगी, जिसने भी रजिस्टर किया और क्लास में जूम पे या हमारे यूट्यूब पे या फेसबुक पे शामिल हुए, उन सबको सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। कोशिश हमारी ये थी कि सारे इसमें शामिल हो जाएं, और जूम के ऊपर 500 लोगों की कैपेसिटी मौजूद है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप सब इसमें आ जाएंगे। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन आई हैं, जो मुझे आखिरी पैगाम मिला था, वो 560 रजिस्ट्रेशन थी, और माशाल्लाह बहुत सारे मुल्कों से इस वक्त लोग बैठे हुए ये क्लास सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सबको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। तो कोशिश तो ये कि सब के सब जूम पे साथ आ जाएं, ताकि अटेंडेंस सबकी ऑटोमेटिकली लग जाएगी, और जो जूम पे नहीं आएगा फिर उसकी अटेंडेंस की कोई ना कोई तरतीब हम बना लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आफियत रखे। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें थी इस कोर्स से मुतालिक, सूरह हुजूरात। बहुत सारे लोग सवाल ये जरूर करते हैं, हुजूरात है क्या? तो हुजूरात हुजरे की जमा है। हुजरा उर्दू बोलने वाले तो बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं कि हुजरा कमरे को कहते हैं, उर्दू में कमरा होता है और अरबी में उसको हुजरा कहते हैं, और हुजूरात बहुत सारे कमरों को कहते हैं, और यहाँ स्पेसिफिकली जिन कमरों की बात की जा रही है, जिन हुजरों की बात की जा रही है, ये नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हुजूरात हैं। तो ये इस सूरत के जो नाम है इसका थोड़ा सा तर्जुमा आपके सामने कर दिया जाता है। ये जो 10 दिन का कोर्स होगा, इस 10 दिन में आपने करना क्या है, ये कोर्स का स्केड्यूल भी आपके सामने रख दिया गया है, और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो नोट्स हैं ये सारे हर रोज की जो नोट्स हैं क्लास की नोट्स, ये आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले दिन जो है वो कोर्स का इंट्रोडक्शन है और 2 आयतें हैं, दूसरे दिन भी 2 आयतें, तकरीबन हर रोज ही 2-2 आयतें करेंगे, तो ये 18 आयतें मुकम्मल होंगी, और ये सूरत इंशाल्लाह अपनी तकमील को इंशाल्लाह पहुंचेगी। आखिरी दिन 10वें दिन थोड़ा सा इम्तिहान भी होगा, दुआ भी होगी, और कुछ एक दो अनाउंसमेंट्स भी इंशाल्लाह ये आज इस करेगा। तो ये कोर्स स्केड्यूल है। अब हम आज के सेशन की तरफ इंशाल्लाह बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि सारी चीजें कवर हो सके इंशाल्लाह। तो आज के सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم جی تو تمام طلباء جو ہیں اس طرف توجہ کریں اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی تفسیر ان پہلی دو آیات کی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ان اللہ سمیع علیم اور اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے پھر اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر ولا تجہروا له بالقول اور اس سے نہ بولو تڑخ کر تجہروا اونچی آواز جیسا کہ تڑختے ہو ایک دوسرے پر کہیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ اونچی اونچی آوازوں میں بات کرتے ہو ویسے اللہ کے نبی کے ساتھ گفتگو نہ کرو ان تحبط اعمالکم کہیں عکارت نہ ہو جائیں کہیں ختم نہ ہو جائیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال وانتم لا تشعرون اور تم کو خبر بھی نہ ہو قرآن پاک کی اس مبارک آیت سے کئی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں دو بڑے اہم آداب بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ آداب نہ کرنے پر وعید بھی بیان کی گئی ہے پہلا ادب کہ نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے علماء نے فرمایا کہ جی نہ الفاظ میں آگے بڑھو یعنی اگر بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول تو تم ان کی بات ان کی اجازت کے بغیر بات نہ کرو اور ویسے اگر وہ چل بھی رہے ہیں تو بھی آگے نہ چلو اور دوسرا ادب کیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ جب اللہ کے نبی سے بات کرو تو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی تو اللہ کے نبی کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو یہ بھی ادب ہے اور یہ آداب قرآن میں بیان کیے گئے ان آداب کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ادب نہ کرو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تو یہ بے ادبی ایسی چیز ہے انسان کے سارے اعمال بھی ختم کر سکتی ہے قرآن پاک میں یہ جو آیات نازل ہوئی ان آیات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو شان نزول بھی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے اور ایک قبیلہ بنو تمیم جس کا نام تھا اس قبیلے کے حاکم بنانے پہ غور ہو رہا تھا کہ کس کو اس قبیلے کا لیڈر بنایا جائے حضرت ابو بکر کی رائے میں ایک آدمی تھا کہ اس کو بنا دیا جائے حضرت عمر کی رائے میں ایک آدمی تھا کہ ان کو بنا دیا جائے اب آپس میں ڈسکشن ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور بات کرتے کرتے ان دونوں میں اتنا ڈس اگریمنٹ ہوا کہ بات اونچی ہو گئی آواز اونچی ہو گئی
और अल्लाह के नबी उस मजलिस में मौजूद हैं और ये आपस में इख्तलाफ इतना ऊंचा कि बहुत जैसे जज्बात में आके गुफ्तगू होती है, इस मौके पे ये मुबारक आयतें नाजिल हुई। कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। ठीक है, अगर ओपिनियन है तो ओपिनियन अपने पास रखो, जब बात पूछी जाए तो बताओ, और आपस में डिस्कशन करना और अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं उनकी इजाजत के बगैर, इसकी इजाजत नहीं है। और इसी तरह आवाज को बुलंद करने की भी इजाजत नहीं है, ये भी अदब के खिलाफ है। तो जब ये आयतें उतरी, अल्लाहु अकबर, इन दोनों हजरात को, सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत उमर रजी अल्लाह, इतना अफसोस हुआ कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ने कसम खाई, उन्होंने कसम खाई कि मैं कभी भी अपनी आवाज बुलंद नहीं करूंगा, मरते दम तक ऐसे बोलूंगा कि जैसे कोई सरगोशी कर रहा है। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस आयत के उतरने के बाद अपनी आवाज इतनी पस्त कर दी कि बहुत सारे लोग ये कहते कि जी कई मर्तबा इनकी बात सुनने के लिए हमें दूसरी मर्तबा उनसे कहना पड़ता कि जी आवाज बुलंद करो। तो ये शान नुज़ूल इन आयात का था, और इसमें प्योरली अदब का तस्करा है कि जी जब अल्लाह के नबी हो तो आवाज बुलंद भी नहीं करनी, और पहले आराम से शुरू भी गुफ्तगू नहीं कर देनी है कि भाई इसको करो उसको करो, इसको बनाओ हाकिम इसको ना बनाओ, जब तक इजाजत ना मिले, जब तक ये कराइन से बिल्कुल यकीन ना हो जाए कि अल्लाह के नबी रेडी हैं आपकी बात सुनने के लिए, और जितना बताया जाए उतनी बात करें, आपस में डिस्कशन ना शुरू करें कि ये अदब के खिलाफ है, और फिर दूसरा अदब की आवाज बुलंद ना करें। अब ये जो आवाज बुलंद ना करना या गुफ्तगू इजाजत के बगैर ना करना, ये वाले आदाब जो हैं, इनका इतलाक नबी अलैहिस्सलाम पर भी होता है। और हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में फरमाते हैं कि उलमा का इस पर इत्तफाक है कि इसका इतलाक इंसान के अपने कोई भी उस्ताद पे भी होता है, यही अदब उस्ताद का है, खास तौर पे दीनी उस्ताद का है, उलमा का है, और ये जो अल्लाह वाले मशायख होते हैं उनका भी यही अदब है कि उनकी बात करने से पहले बात ना की जाए, उनकी इजाजत के बगैर बात ना की जाए, उनके आगे ना चला जाए और उनके सामने आवाज बुलंद ना की जाए। और जो वईदें हैं अल्लाह के नबी के सामने ये बेअदबी करने की, उसमें से इंसान को ये वईदें मिल सकती हैं। और इसकी दलील हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की कि एक मर्तबा एक सहाबी थे जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के आगे चल रहे थे। तो जब वो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के आगे चल रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि एक सहाबी अल्लाह के एक सहाबी हजरत अबू बकर से आगे आगे चल रहे हैं, तो उन्होंने उन सहाबी को तंबीह फरमाई अल्लाह के नबी ने कि तू देख तो सही कि तू किसके आगे चल रहा है, जिसके तू आगे चल रहा है ये तू बेअदबी कर रहा है, ये दुनिया और आखिरत में तुझसे बेहतर है। और फिर सिर्फ ये नहीं फरमाया बल्कि साथ साथ ये भी फरमाया कि दुनिया में सूरज तुलू और गुरूब ऐसे शख्स पे अभी तक नहीं हुआ है जो अंबियाए कराम के बाद अबू बकर से ज्यादा बेहतर और अफजल हो। तो अल्लाह के नबी ने इन सहाबी को एक तरह से तंबीह फरमाई, नाराजगी फरमाई कि तुम्हें अबू बकर के आगे नहीं चलना चाहिए था, पीछे चलना चाहिए था। तो इसी तरह यहां से दलील उलमा ने ली कि जी अल्लाह के नबी के लिए भी ये आदाब है
कि उनके आगे नहीं चलना, उनसे पहले बात शुरू नहीं करना, उनकी इजाजत के बगैर बात नहीं शुरू करना, उनके सामने अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना, ये सारे आदाब हैं। मगर यही आदाब इस उम्मत के उलमा और मशाइख के लिए भी है। सच्ची बात यह है कि हम अदब करने को बहुत ही नकली सी चीज समझते हैं और हम ये कहते हैं कि जी बाकी आमाल इससे ज्यादा जरूरी है, जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात देना, हज करना, हम कहते हैं ये अहम आमाल है, जरूरी है, करने पड़ेंगे। अदब किया ना किया, कभी कर लिया कभी नहीं किया, इसमें हमारे पास चॉइस है, ये नफली सी चीज है। मगर इतनी नफली सी चीज भी नहीं है। चुनाचे अदब की अहमियत से मुतालिक ये तीन चीजें हर तालिबे इल्म को पता होनी चाहिए। तीन चीजें, तीन अहम नुकात। पहली बात ये है कि जिसके अंदर अदब होगा, जिसकी तबीयत में अदब है, उसी के अंदर तकवा होगा। कितनी ही इबादत क्यों ना कर ले, कैसे ही कपड़े क्यों ना पहन ले, जब तक अदब नहीं है तो तकवा नहीं है। ये कुरान पाक से साबित है। अल्लाह ताला कुरान पाक फरमाते हैं, वमन युअज्जिम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, कि जिसने ताजीम की अल्लाह की निशानियों की, जिसने अदब किया अल्लाह की निशानियों का, फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, ये उसके दिल के तकवे की वजह से है। तो देखें दिल में असल तकवा उसी के पास है जिसके अंदर अदब है। तो कितनी ही इबादत क्यों ना कर लें, कितने ही मुख्तलिफ अपने आप को देखने में कैसा ही क्यों ना बना लें, जब तक अदब नहीं होगा, अल्लाह की नजर में मुत्तकी नहीं है, अल्लाह की नजर में पसंदीदा नहीं बन सकते। दूसरी बात इस अदब की अहमियत से मुताल्लिक, कि ये कई मरतबा इंसान गुनाह करता है तो गुनाहगार कहलाता है, दीन इस्लाम से बाहर नहीं होता, दीन से खारिज नहीं हो जाता। बेअदबी ऐसी चीज है कि कई मरतबा इंसान को ये दीन से खारिज कर देने वाली चीज। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने हमारे बड़ों का अदब नहीं किया और जिसने हमारे छोटों पे शफ़क़त नहीं की, वो हम में से ही नहीं है। तो देखें ये तलवार लटक रही है ना, हम में से ही नहीं है वाली, और इसका ताल्लुक अदब के साथ है। कि जो बड़ों को बहुत लाइटली लेता है, बड़ों को ताना दे देता है आराम से, जो बड़ों से बदतमीजी से बात कर लेता है या बड़ों को नऊज़ु बिल्लाह डांट देता है, उसका क्या हाल होना है। अल्लाह अकबर। एक दो दिन पहले हमारे एक जानने वाले नौजवान ने ऐसी बात की कि दिल खुश हो गया। उनका रमजान का पहला दिन था और क्योंकि गर्मी होती है, लोग रोडों पे जो होते हैं वो गर्मी ज्यादा महसूस करते हैं। उनका कि एक्सीडेंट हो गया और मेरी मोटरसाइकिल को एक गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी मारी और गलती उसकी थी। जब मैंने देखा कि कौन गाड़ी में बैठा है तो बड़ी उम्र के आदमी थे, तो मैंने सोचा कि बड़ी उम्र के आदमी का तक अदब यही है कि मैं उनसे ना झगड़ूं ना लड़ूं, वैसे भी मेरा रोजा है। मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं चले गया। इसको अदब कहते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने ये अल्लाह के प्यारे महबूब की उम्मत को ऊंचा किया है। ये चीज और कहीं नजर नहीं आनी, ये अदब और कहीं नजर नहीं आना। तो अदब से मुतालिक तीन चीजें, एक ये कि अदब अगर नहीं है तो तकवा भी नहीं है, जो ये समझते हैं कि अदब नफली सी चीज है ये सोच लें, और दूसरा ये कि बेअदबी करने वाला कभी कभी ऐसी गुस्ताखी कर बैठता है कि दीन इस्लाम से भी बाहर हो जाता है। और तीसरी बात जो कि अल्लाह के नबी ने फरमाई है, फरमाया कि वालदैन अपनी औलाद को जो तोहफा दे सकते हैं,
जितने भी तोहफे वो दे सकते हैं उसमें से सबसे बेहतर तोहफा ये है कि उनको हुस्ने अदब सिखाए, कि इससे उनकी जिंदगी में भी फायदा और उनकी आखिरत में भी फायदा है। तो अदब की इतनी अहमियत, इसलिए मशायख ने फरमाया अद्दीनु कुल्लुहु अदब, दीन तो सारा का सारा अदब है, यानी जहां अदब है तो वहां दीन है, और जहां अदब नहीं वहां दीन ही नहीं है, चाहे आप देखने में कैसे ही नेक क्यों ना लगे और कितने ही सजदे क्यों ना करते हो, मगर बेअदबी है तो अभी दीनदार नहीं है, दीन से दूर है। और अल्लाह ने इस मुबारक सूरत को नाजिल कर दिया इस अदब की अहमियत बताने के लिए। चुनाचे कुरान पाक और हदीस पाक से और मशायख के अकवाल में कुछ आदाब बयान किए गए हैं, और हर दौर में मशायख ने अदब के ऊपर लिखा है, और किताबें सैकड़ों नहीं हजारों में होंगी जिनके ऊपर अदब का तस्कर, जिनके अंदर अदब का तस्करा किया हुआ है। तो सारी चीजों को कवर करना तो मुश्किल है, मगर चार अहम उसूल अदब से मुतालिक आपके सामने आज की इस क्लास में बयान किए जा रहे हैं। ये चार उसूल अपना लेंगे तो इंशाल्लाह बा अदब ही कहलाएंगे, सादत मंद ही कहलाएंगे। और ये चार चीजें कौन सी हैं? कि सबसे पहली चीज के बड़ों की बात को अदब से सुनो, और इस मुबारक आयत में भी यही पैगाम था, ला तरफ़ अस्वातुकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज को ना बढ़ा दो अल्लाह के नबी की आवाज, उनकी बात पहले सुनो। और ये भी जो कहा गया ला तुकद्दिमु बैना, ला तुकद्दिमु और ना आगे बढ़ो अल्लाह और उसके रसूल से, तो जो ला तुकद्दिमु बैना यदिल्लाह व रसूल, वो भी यही है कि आगे ना बढ़ना, एक तो उनके आगे ना चलो, मगर दूसरा उनसे पहले गुफ्तगू ना करो, उनकी गुफ्तगू पहले सुनो। तो अदब का पहला तकाजा ये है, पहला उसूल ये है कि हमेशा बड़ों की बात को गौर से सुनना है, बहुत ही तवज्जो से सुनना है। कई मरतबा नौजवान होते हैं ना, वो वालदेन की बात को या उस्ताद की बात को कहते हैं कि जी ये सुना तो था पहले, 10 मरतबा उन्होंने ये बात कर दी है, तो वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। और कई मरतबा वालदेन समझा रहे होते हैं बच्चों को तो वो कहते हैं कि क्या सारा वक्त हमें समझा रहे होते हैं, तो वो बात को गौर से नहीं सुनते, कभी उनकी गलती को पॉइंट आउट किया जा रहा होता है तब भी तवज्जो नहीं देते। तो कई मरतबा हम रवानी में इस तरह से ये बेअदबी कर बैठते हैं, मगर ये छोटी बेअदबी नहीं है, बहुत बड़ी बेअदबी है। देखिए ये जो बड़े हैं इनकी गुफ्तगू से हो सकता है कभी आपके इल्म में इजाफा ना हो, वही बात वो कर रहे हो जो पहले रिपीट की गई हो, मगर अगर तवज्जो से सुनेंगे तो इल्म में इजाफा तो नहीं होगा, मगर इस अदब की वजह से तकवा में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए बड़ों की बात हमेशा तवज्जो से सुननी, और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत थी कि आप बड़े हो छोटे हो हर एक की बात पूरी तवज्जो के साथ सुनते। छोटे से छोटा शख्स भी ये कहता कि हाँ अल्लाह के नबी ने मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनी। तो अदब का पहला उसूल के बड़ों की बात को तवज्जो से सुना जाए, और अदब का दूसरा उसूल ये है कि बड़ों की डांट को रहमत समझे। डांट किसको पसंद है भाई? डांट तो किसी को भी पसंद नहीं है, हम सब बचते हैं कि कहीं डांट ना पड़ जाए, मगर डांट कैसे रहमत हो सकती है? डांट दो ही वजह से हो सकती है, या तो आपने कोई गलती की है तो डांट पड़ी है, अगर गलती को सही करने के लिए अगर किसी बड़े ने डांटा है तो इसमें तो फायदा ही है कि जी बड़े की डांट से गलती की इसलाह हो रही है, तो ये तो रहमत है ही सही। मगर फर्ज करें अगर किसी बड़े ने बगैर किसी वजह के डांट दिया
تو یہ اس سے بھی بڑے کی رحمت ہے کہ اگر انسان نے بڑے کی ڈانٹ پہ صبر کر لیا تو اس کا ظرف بڑھتا ہے، اس کا صبر بڑھتا ہے، اور یہ جو صبر کا بڑھنا ہے اس صبر پہ ہی تو اللہ رب العزت نے بہت سارے وعدے کیے ہیں، ان میں سے ایک وعدہ ہے یہ ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت صبر ہے، تو اس لیے اگر بڑے ڈانٹ بھی دیں تو یہ ایک رحمت ہے، بلکہ جو لوگ خانقاہوں پہ مشائخ کے پاس آتے ہیں اصلاح کے لیے تو مشائخ انہیں جان بوجھ کے زیادہ ڈانٹتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ صبر سے ملتی ہے، تو ان خانقاہوں پہ جب اصلاح کے لیے آتے ہیں لوگ اللہ والوں کے پاس تو ان کے ظرف کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ جب اصلاح کے لیے آتے تھے تو ان کا ایک سکیجول ہوتا تھا، صبح کا ناشتہ وقت پہ، فجر کی نماز وقت پہ، ساری نمازیں اپنے وقت پہ، ذکر کا بھی ایک ٹائم تھا، حضرت کے واز کا بھی ایک ٹائم تھا، سونے کا بھی ٹائم فکس، ہر چیز ٹائم کے مطابق ہوتی تھی، اور اس سکیجول کے اندر ایک گھنٹہ رکھا ہوا تھا ڈانٹ کا، جس میں حضرت بیٹھ کے ہر ایک کو وقت ایک ایک کر کے ڈانٹتے تھے۔ یہ ڈانٹ سننے سے انسان کا ظرف بڑھتا ہے۔ آج تو ہم ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے کہ کسی نے ہمیں کوئی ڈانٹ کیسے دیا، کسی نے ہماری طبیعت کے خلاف بات کیسے کر دی۔ تو یہ جو جلدی جلدی غصہ آ جاتا ہے ہر چیز پہ، یہ نشانی ہے کہ طبیعت میں ابھی بے ادبی ہے، طبیعت کے اندر ظرف ابھی نہیں پیدا ہوا۔ برے صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، اور بڑے اللہ والے تھے، ہندوستان میں ان کی بڑی قدر کی جاتی تھی، ہزاروں لاکھوں لوگ حضرت سے تعلق رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، حضرت سے دین سیکھتے تھے، تو ہندوستان میں اتنے حضرت سے محبت کرنے والے کہ حضرت کی ایک مرتبہ جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، حضرت کے ہاتھ چومنے کے لیے لوگ ترستے تھے، مگر گھر میں جو بیوی تھی ان کو حضرت سے اعتقاد اتنا نہیں تھا، تو کبھی کبھی زوردار ڈانٹ پلا دیتی تھی، اور کبھی کبھی بڑی سخت باتیں اور بہت ہی کڑوی باتیں کرتی، اور کبھی کبھی بالکل بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرتی، لحاظ ہی نہ ہوتا کہ کتنے بڑے یہ شیخ ہیں۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح خوب ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی تھی، کڑوی باتیں، سخت باتیں، بے لحاظی، ساری چیزیں ان باتوں میں تھیں، اور حضرت کا ایک شاگرد تھا جو حضرت سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو وہ حیران ہو گیا کہ اس عورت کو کیا ہو گیا ہے، اتنے بڑے شیخ جن کو پورا ہندوستان ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستا ہے، ان کے ہاتھوں کو چومنے کو لوگ ترستے ہیں، اور یہ عورت دیکھو کس طرح سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ تو جب اس کی ملاقات حضرت سے ہوئی تو اس نے حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت آپ نے اس عورت کو رکھا ہوا، یہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو فارغ کریں، اس کو آپ کے مقام کا نہیں پتا، ہندوستان میں کوئی عورت نہیں ہوگی جو آپ سے شادی نہ کرنا چاہے، ہم آپ کی شادی کرواتے ہیں، اس کو آپ کے مقام کا بالکل نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو نے اپنی بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا جی ہاں کر لی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس مقام کی تو بات کر رہا ہے یہ مقام اس کی باتوں پہ صبر کر کے ہی حاصل ہوا ہے، تو یہ صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے ملانے والی چیز ہے، جس کو صبر نصیب ہو گیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسی کے پاس ہے، سب سے خوشی والی زندگی وہی گزارے گا، کیونکہ بے صبرے کو اگر بادشاہوں والی دولت بھی دے دی جائے تو اس کو پھر بھی اچھا ہی نہیں لگے گا، وہ پھر بھی پریشان اور پھر بھی ناراض رہے گا۔ تو اس لیے بڑوں کی ڈانٹ رحمت ہے کہ یہ انسان کے صبر کو بڑھاتی ہے۔ تو ادب کے چار اصول، پہلا اصول بڑوں کی بات کو غور سے سنیں،
अपनी बात शुरू ना कर दे पहले पहले उनकी बात सुने, ला तुकद्दिमु बैनयदी अल्लाह व रसूलिह। और दूसरी बात यह कि बड़ों की डांट को अपने लिए रहमत समझे। और तीसरी और अहम तरीन चीज कि बड़ों की खिदमत को अपने लिए फलाहे दारैन समझे। बड़ों की खिदमत करने का रिवाज कम होता जा रहा है, कई मरतबा पेरेंट्स ही अपने बच्चे को खिदमत नहीं करने देते कि नहीं जी घर में नौकर हैं तो ये क्यों खिदमत करें। और उलमा कहते हैं कि नहीं, घर में अगर नौकर चाकर हो भी सही तो भी बच्चों की आदत डालें कि वो खिदमत करें, क्योंकि इस खिदमत से जो बच्चों को अजर मिलना है वो और किसी अमल से नहीं मिलना। आप बच्चों को महरूम ना करें, इसलिए बच्चों को कहा करें कि मेरे पैर भी दबाओ और अपने वालिद के पैर भी दबाओ और दादा दादी के पैर भी दबा, और जब वो वुजू करें तो तौलिया तू ला के दिया कर, और मेहमान घर में आए तो तू खाना लगाया कर और मेहमानों को पूछा कर कि ये जो खिदमत करना है ये फलाह दारैन यानी दोनों जहानों की कामयाबी है। तो अदब का बड़ा उसूल यह है कि बड़ों की खिदमत को इंसान शौक से करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी की भी खिदमत करने के लिए कदम बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कदम बढ़ाने पे एक फरिश्ता पैदा करते हैं, वो कयामत तक इबादत करता रहेगा और उस इबादत का अजर इस कदम बढ़ाने वाले के नामा आमाल में लिख दिया जाए। अल्लाह, इसीलिए हदीस पाक में आता कयामत के दिन कुछ लोग होंगे जो अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह इतने बड़े बड़े आमाल हमारे नामा आमाल में लिखे हुए हमने नहीं किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें याद दिलाएंगे कि तूने फला मौके पे फला की खिदमत की थी, उस पर ये अजर मिला है। तो इस खिदमत से बच्चों को महरूम ना करें। आजकल पता नहीं क्या ये ट्रेंड चल गया है कि नहीं जी बच्चे काम नहीं करेंगे। काम करना खिदमत करना सिखानी है, ये उनके फायदे की चीज है। और खिदमत का दुनियावी फायदा भी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा दूसरों के कामों में लग जाता है, दूसरों की हेल्प में लग जाता है, दूसरों की मदद में लग जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद में लग जाते हैं। तो ये दुनिया का भी फायदा है, जो चाहे कि अल्लाह की मदद हर वक्त मेरे साथ हो उसे चाहिए कि वो दूसरों की मदद करना शुरू कर दे, दूसरों के कामों को करना शुरू कर दे, देखें फिर अल्लाह ताला कैसी मदद फरमाते हैं। अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी समझी जाती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और हार्वर्ड का मेडिकल स्कूल इस वक्त दुनिया का बेहतरीन मेडिकल स्कूल समझा जाता है। और उस मेडिकल स्कूल से एक मेडिकल जर्नल निकलता है, हार्वर्ड मेडिकल जर्नल, उसकी जो रिसर्च एडिटर है उनका नाम स्टेफनी वॉटसन है। स्टेफनी वॉटसन ने खिदमत के ऊपर रिसर्च की और उसने कहा कि ये जो लोग खिदमत करते हैं बे लॉस यानी बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी मकसद के, सिर्फ खिदमत करने की नीयत से खिदमत करते हैं, जिसको वॉलंटियर वर्क भी कहते हैं, जो लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने रिसर्च की कोई हजारों लोगों पे, शायद 7 से 8 हजार लोगों पे उन्होंने रिसर्च की। उन्होंने कहा कि जी ये रिसर्च का निचोड़ ये है कि जो लोग ये वॉलंटियर वर्क करते हैं उनको 4 बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले ये कि उनके ब्लड प्रेशर लेवल्स बेहतर हो जाते हैं, दूसरा उनके शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं, तीसरा उसने कहा कि वो एंग्जाइटी से बच जाते हैं, और चौथा उन्होंने कहा कि जो शख्स खिदमत के काम करता है वो अक्यूट डिप्रेशन में से निकल आता है। और फिर अपने रिसर्च पेपर के आखिर में लिखती है कि जी ये मैं बातें ऐसे ही नहीं कर रही, मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ कर रही हूं कि जो शख्स 1 साल के अंदर 200 आवर्स ऑफ वॉलंटियर वर्क करेगा, 200 घंटे खिदमत के काम करेगा एक पूरे साल में, उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अल्लाह अकबर। तो आज इतने बड़े मेडिकल जर्नल के अंदर भी आ गया कि जो खिदमत करता है उसको दुनियावी फायदा,
और अल्लाह के प्यारे महबूब ने 1500 साल पहले फरमा दिया कि जो दूसरों की खिदमत में लग जाता है अल्लाह उसकी मदद में लग जाते हैं। तो बच्चों को खिदमत करना सिखाएं, ये उनके फायदे की चीज है, इन बच्चों के लिए आप बेहतरी का काम कर रहे हैं। आज वालदैन बच्चों से खिदमत लेने में शर्माते हैं, ये खिदमत ही तो है जो बच्चों की दुनिया को बेहतर करेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए खिदमत करने वाला, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला है। तो बच्चों को खिदमत के कामों पे लगाएं। तो अदब के 4 बड़े उसूल, पहला उसूल कि बड़ों की बात को अदब से सुना जाए, दूसरा बड़ों की डांट को रहमत समझा जाए, दूसरा बड़ों की खिदमत को फलाह दारैन, दोनों जहानों की फलाह समझा जाए। खिदमत करना छोटी चीज नहीं है। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया एक शख्स, उसका नाम था अवैस करनी, यमन का रहने वाला था, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं की, इतने दूर बैठ के वो ईमान ले आया। अब उसको बड़ा शौक था कि मैं अल्लाह के नबी से मुलाकात करूं, मगर उसकी वालदा बूढ़ी थी और उसका खिदमत करने वाला और कोई नहीं था, सिर्फ ये अवैस अपनी वालदा की खिदमत करता था, बूढ़ी वालदा की। साथ साथ उसको ये भी शौक होता था कि मैं अल्लाह के नबी की मुलाकात के लिए जाऊं। एक दिन अपनी वालदा से कहता है कि अगर तू मुझे इजाजत दे दे तो मैं अल्लाह के नबी से मिल के आ जाऊं। मगर यमन से मदीना मुनव्वरा का सफर उस जमाने में तो कई हफ्तों का सफर होता था। तो वालदा ने कहा कि बेटा मैं तुझे नहीं रोकती कि तू अल्लाह के नबी से मिलने के लिए जा रहा है, मगर तुझे पता है कि मैं अकेली हूं, मेरा कोई और करने वाला नहीं है, तू एक ही है, तो तू सिर्फ ये कर ले कि जब तू जाए वहां तो उधर बहुत ज्यादा दिन ना ठहरना, बस मुलाकात करके वापस आ जाना। तो अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सफर करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जब वो वहां हाजिर हुए तो पता चला अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा नहीं है, आप किसी गजवा में तशरीफ ले गए। तो बड़ा गम हुआ, मगर ज्यादा ठहर नहीं सकते थे क्योंकि पीछे बूढ़ी माँ अकेली थी, कोई खिदमत करने वाला नहीं था, तो अल्लाह के नबी की मुलाकात के बगैर ही वापस सफर किया और वापस पहुंच गए। जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उनको बताया गया यूं अवैस आए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाए हाँ 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 मुझे उसका पता है। चनाचे आपने सारे सहाबा कराम को जमा किया और जमा करके फरमाया कि सुनो ये अवैस करनी यमन का रहने वाला, ये यहां आया था, इससे मुलाकात नहीं हुई, मगर इसने अपनी वालदा की ऐसी खिदमत की है कि इसके उठे हुए हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत रद्द नहीं फरमाते। ये खिदमत करने वाले का ये मकाम। और फिर अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से फरमाया कि देखो अगर जिंदगी में तुम्हें कभी ये अवैस मिल जाए तो इससे अपनी मगफिरत की दुआ करवा लेना। उस मजमे को जिसको अल्लाह ने फरमाया कि अंबियाए कराम के बाद सबसे बेहतरीन लोग, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अगर तुम्हारी अवैस से मुलाकात हो तो तुम अपनी मगफिरत की दुआ उससे करवाना। और उस मजमे में हजरत उमर भी तशरीफ फरमाते, हजरत अबू बकर भी तशरीफ फरमाते। चुनाचे हजरत उमर के दौरे खिलाफत में 22 साल का दौरे खिलाफत था और हजरत उमर ने हर साल हज फरमाया और हर साल अवैस करनी को ढूंढते कि शायद यमन से ये हज करने के लिए आया होगा। एक साल पता चला कि जी आया हुआ है, तो अपने साथियों से कहा कि मैंने इससे मिलना है। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये तो आम सा बंदा है, बकरियां चरा रहा है, ऊंटों के अंदर बैठा हुआ है, शहर से बाहर है। मैं आम नहीं है, तुम नहीं जानते हो, बहुत ही अहम बंदा है। हजरत उमर ने फरमाया कि ये बकरियां चरा रहा है, बाहर है, मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा हजरत नहीं हम लेके आते। कहा नहीं नहीं मैं इसकी खिदमत में जाता हूँ, मेरी फरियाद है इसके साथ, इससे कुछ लेने जाना है। सारे हैरान, हजरत उमर भी तशरीफ ले गए और हजरत अली भी तशरीफ ले गए।
वहां उसके पास गए तो उसने देख के हैरान हो गया, अमीरुल मोमिनीन आप आए हैं। फरमाया भाई तेरे पास एक फरियाद लेके आया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तूने अपने वालदा की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे हाथ रद्द नहीं करते, तो मैं भी यहाँ आया हूँ और ये मेरा भाई अली भी यहाँ है, तो हम दोनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दे। अल्लाह अब ये अवैस करनी परेशान कि हजरत आप इतने बड़े मकाम वाले, मैं कहाँ आप कहाँ, और मैं कैसे आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकता हूँ। और हजरत उमर फरमाते हैं कि बस एक यही फरियाद है, पूरी कर दे, अल्लाह तेरा भला कर दे, तू हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दे। इतनी आजिज़ी से हजरत उमर ने ये अर्ज की कि उसको हाथ उठाने पड़े, उसने हाथ उठा के दुआ की कि अल्लाह तू इन दोनों की मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह अकबर, तो क्या मकाम है उस बंदे का जिसने खिदमत करने में कदम बढ़ाया, ये वाकई फलाहेदार है, दोनों जहानों की कामयाबी। तो अदब के चार उसूल हैं, बड़ों की बात को अदब और गौर से सुने, बड़ों की डांट को अपने लिए रहमत समझें, बड़ों की खिदमत को फलाहेदारैन समझें, और चौथी और सबसे अहम बात कि बड़े अगर नाराज हो उनसे माफी मांग लें। ये ना देखें गलती किसकी है, बस ये देखें अगर ये बड़ा है तो मैं इनसे माफी मांग लेता हूं। जिसने ये कर लिया उसने छोटा काम नहीं किया। अब इज्जतें उस शख्स की जिंदगी का मुकद्दर है, ये अल्लाह के नबी ने वादा कर लिया उससे। क्यों? क्योंकि जिसने माफी मांगी सिर्फ इसलिए कि ये बड़ा है, ये नहीं देखा गलती किसकी है, तो उसने आजिजी की, उसने अपने आप को अल्लाह के लिए झुकाया। और हदीस पाक में आता है कि जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए झुकाया अल्लाह उससे बुलंदियां अता फरमाए। तो ऐसे शख्स के लिए खूब खूब इज्जतें होती हैं। तो ये अदब के चार बड़े उसूल। और आज की इस मुबारक आयत में अदब को पेश किया गया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के प्यारे महबूब से ना तुम आगे बढ़ो अल्फाजों में, ना वैसे आगे बढ़ना है, और आवाज को भी बुलंद ना करो। तो ये आदाब जो है, आवाज बुलंद ना करना, आगे ना बढ़ना, इतनी वजाहत और इतनी सराहत के साथ अल्लाह ने कुरान पाक में बयान कर दिए। यहाँ आके आज का सबक मुकम्मल होता है। आजिज एक मरतबा फिर तर्जुमा कर देता है। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ना बढ़ो आगे अल्लाह और उसके रसूल से। वत्तक़ुल्लाहा, और डरते रहो अल्लाह से। इन्नल्लाहा समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक सौति नबी, ना बुलंद करो अपनी आवाज़ें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ के ऊपर। वला तजहरू लहू बिल कौल, और ना बोलो तड़ख करके। कजहरु बाज़िकुम लिबाज़िन, जैसे कि तड़खते हो एक दूसरे पर कहीं। अन तहबत आमालुकुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारे तमाम आमाल अकारत हो जाए, जाया हो जाए। वह अंतुम ला तशऊरून, और तुमको खबर भी ना हो। तो यहाँ आके ये तर्जुमा मुकम्मल हुआ। तर्जुमा के साथ साथ ये कुछ अल्फाज आप देखें, आपको अंदाजा होगा कि इन दो आयतों को पढ़ने से आपने कुरान पाक के 10,434 अल्फाज कवर कर लिए। यानी कुरान पाक में टोटल तकरीबन 88,000 अल्फाज हैं, और इन 88,000 में से आपने आज 10,400 अल्फाज तकरीबन मुकम्मल कर लिए। यूं समझ लें कि कुरान पाक का 11% अल्फाज आपने मुकम्मल कर लिए। तो ये
इस आयत का हर हर लफ्ज है और हर हर लफ्ज का यहाँ तर्जुमा भी दिया हुआ है, साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि कुरान पाक में ये लफ्ज कितनी मरतबा आया। तो जैसे या अय्युहल है, या अय्युहा, ये 153 टाइम्स कुरान पाक में आया है। अल्लज़ीना 1442 टाइम्स, और आमनु 5,537 टाइम्स आया। लाख लफ्ज 327 मरतबा आया। तो इस तरह ये अल्फाज कई मरतबा आए, अल्लाह का लफ्ज 2700 मरतबा आया। तो ये सारे अल्फाज बार बार कुरान पाक में रिपीट हुए हैं। टोटल अल्फाज जो कुरान पाक में जो कवर हुए इस आयत में, ये 10,434 है। तो माशाल्लाह काफी सारे अल्फाज कवर भी हो गए। हर रोज जो आयत आप पढ़ेंगे उन आयत की वजह से आपको कुरान पाक के कितने अल्फाज कवर होते हैं ये भी बताया जाएगा इंशाल्लाह, और ये चार्ट आपको इंशाल्लाह नोट्स में मिल भी जाएगा। अब आते हैं कल के दिन के असाइनमेंट की तरफ। ये असाइनमेंट है फाइंड एन आया विद फोर वर्ड्स फ्रॉम टुडेज आया, यानी एक ऐसी आयत लिखे, एक ही ऐसी आयत कुरान में से आपने ढूंढनी है जिसमें आज के जो सबक की जो दो आयतें हैं इनमें से चार अल्फाज मौजूद हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब मिसाल दूंगा तो फिर वो आयत आप ना भेजिएगा, और वो मिसाल है जो मिसाल के तौर पे ये आज की आयत है ना, आज की आयत के अल्फाज या अय्युहल लजीना आमनू, अब चार में से तीन अल्फाज तो यही हो गए। अगर आप या अय्युहल लजीना आमनू की कोई और आयत ढूंढ लेते हैं तो आपको चार में से तीन मिल जाएंगे, बल्कि एक आपको आयत में दिखाता हूं तो आपको और आसान हो जाएगा। ये देखें, पहली दो आयतें हमने आज ये की हैं, इसके बाद जो तीसरी आयत है उसमें एक ही आयत में पहली दो आयत के चार अल्फाज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये तीसरी आयत आप देख रहे हैं ना, इन्नल लजीना यकुजूना अस्वातु, इसमें इन्ना भी मौजूद है, अल्लजीना भी पिछली आयत का मौजूद है, अल्लाह भी मौजूद है, तकवा भी मौजूद है। यानी आपको एक आयत ये मिल गई जिसमें आज की हुई दोनों आयतों के चार अल्फाज, ये तीसरी आयत ही, पहली दो आपने पढ़ ली, ये तीसरी आयत के अंदर ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो पहली दो आयतों के अंदर चार अल्फाज जो आपने असाइनमेंट करनी है। तो इस असाइनमेंट के लिए अगर आज की ये वाली तीसरी आयत भी आप भेज देंगे तो असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। अब क्योंकि ये आजिज ने आपको ये वाली आयत बताई है, इसलिए ये ना भेजें, आपको बहुत आराम से कोई ना कोई ऐसी आयत मिल जाएगी जिसमें आज पढ़ी हुई आयतों में से चार लफ्ज मौजूद होंगे, तो ये असाइनमेंट भेजना है। तो कभी कभी असाइनमेंट जो है वो तर्जुमे से मुताल्लिक होगा, और कभी कभी असाइनमेंट जो है वो अल्फाज से मुताल्लिक होगा। तो आज की ये असाइनमेंट आपके सामने है, तो आपने एक ऐसी आयत ढूंढनी है कि जिसमें आज आपने जितने भी अल्फाज पढ़े उनमें से चार अल्फाज मौजूद हों, और ये सारे असाइनमेंट आपने इस नंबर पे जो यहाँ मौजूद है इस नंबर पे शेयर कर देने हैं। अल्लाह ताला बहुत बहुत जजाए खैर अता फरमाए। इंशाल्लाह कल 4 बजे फिर हाजिर होंगे, क्लास 4 बजे इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि ऑन डॉट शुरू हो जाए, और ये भी कोशिश होगी कि 5 बजे तक मुकम्मल हो जाए, क्योंकि रमजान मुबारक के दिन है और आप में से बहुत सारी खवातीन जो है वो इस वक्त बिजी होने का वक्त होता है, इसलिए टाइम पे शुरू करेंगे और टाइम पे खत्म करेंगे। अपने असाइनमेंट्स इस पे इस नंबर पे भेज दें। माशाल्लाह जैसा कि बताया गया कि पूरी दुनिया से 500 से ज्यादा, बल्कि 560 से ज्यादा
रजिस्ट्रेशंस आई थी और आप सब ने ये क्लास ली। अल्लाह ताला सबको बहुत बहुत जजाए खैर अता फरमाए। अब दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए सब मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। सूजे दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, सूजे दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौके तलब मोतवर चाहिए। सूजे दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौके तलब मोतबर चाहिए। हो मदीने की गलियां मुयसर अगर, हो मदीने की गलियां मुयसर अगर, आँख काफी नहीं है नजर चाहिए। उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, जुम्बेशे लब नहीं चश्मे तर चाहिए। सोजे दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौके तलब मोतबर चाहिए। हो मदीने की गलियां मुयसर अगर, आँख काफी नहीं है नजर चाहिए। La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kar lijiye. Subhan rabbiyal ala al wahhab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin mubarak wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan zakira وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। جزاكم الله। اپنا اسائنمنٹ اسی نمبر پہ بھیجیے گا اور انشاءاللہ جو اچھے اسائنمنٹس ہوں گے ان کو ہم کل کی کلاس میں شروع میں دکھائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔